जय हिंद वंदे मातरम साथियों। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चलेगा कि कौन है वो शख्स, कौन है वो महान शख्स जिनको मिलेंगे भाई साहब 15 से 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, ऐसे कौन से वो लकी स्टूडेंट होते हैं जिनको मिलता है दोस्तों इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन। आप सभी लोगों ने अपने दोस्तों स्कोर तो चेक कर लिया होगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप ये जानेंगे कि आपको कैसे मिलता है नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि दोस्तों देखिए, रैंक मित्र, रैंक आईक्यू पर आप जो चेक कर पा रहे हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। जी हाँ, क्योंकि रैंक आईक्यू, रैंक मित्र एक एवरेज स्कोर के आधार पर ही आपको बताता है, ये सही भी हो सकता है और नहीं भी। इसकी पूरी तरह कोई संभावना नहीं है कि बिल्कुल सही ठीक बैठे। तो आप सभी लोगों को मैं इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जो है रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा पर जो आया है नॉर्मलाइजेशन वो बिल्कुल ठीक है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कई बार कि यहाँ पर तो दिखाता है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो 10 से 20 नंबर तक मिलेगा, लेकिन होता ये है कि भाई साहब आपका 4 से 5 नंबर ही बढ़ पाते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो होती है दोस्तों कुछ उसमें आप सभी की जो है एक तो एक्यूरेसी वगैरह और कुछ लक भी काम करता है। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने नॉर्मलाइजेशन नंबर चेक कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो SSC ने अपना नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से आपके जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं वो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे भी आप अपना जो नॉर्मलाइजेशन है वो पता कर सकते हैं कि कितने बढ़ेंगे। लेकिन ये तरीका भी दोस्तों कई बार फेल हो जाता है क्योंकि SSC सभी पर इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करता है। उसके मन में जो आता है वो ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन फेल देता है जिसको जितना चाहे मर्जी से। जी हाँ, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों कितनी बार जब हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से तो हमारा कुछ दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आता है, लेकिन जब रियलिटी में दोस्तों SSC नॉर्मलाइजेशन देता है अपने उसमें कुछ और आता है। तो इसमें भी दोस्तों आप जो है अपना एक बार चेक कर सकते हैं कि हमारा इतना दोस्तों नंबर बढ़ सकता है, उसके अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन इसको समझना दोस्तों, ये समझिए कि आप सभी को थोड़ा सा इसमें जो है टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें कम से कम आपका दोस्तों 10 से 20 मिनट बर्बाद होगा और उससे भी दोस्तों आपका बहुत देर में आपको समझ पाएंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा दोस्तों ये समझिए कि मतलब अटकाने वाला फॉर्मूला हो जाता है। अब जानते हैं दोस्तों यहाँ पर कि भाई साहब कितने नंबर तक मिलता है नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि भाई साहब आपका जो है यहाँ पर 1 नंबर से लेकर के दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो मिलता है दोस्तों 20 नंबर तक। जी हाँ, जो यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि भैया 29 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर ऐसे मिलता है, तो वो पूरी तरह गलत है। आज तक के दोस्तों रिकॉर्ड में हम SSC को देख रहे हैं जब से, तो SSC GD में दोस्तों 2 बार अब यहाँ पर हो चुका है SSC का, तो SSC में दोस्तों अब तक इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला है। ठीक है, 2021-22 में मैंने खुद देखा है, खुद मेरा भी हुआ है सिलेक्शन, तो मैंने खुद स्टूडेंटों से बात की है, तो अब तक मुझे जो है 20 से ऊपर वाला बंदा नहीं मिला है। ठीक है, और मैंने खुद एक बंदे से देखा था, उसका 18 नंबर बढ़ा था। वो रियलिटी है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो देखो ये रियलिटी में दिखा रहा हूँ, ना ही दोस्तों कोई रैंक IQ है, ना ही कोई रैंक मित्रा है दोस्तों, विद प्रूफ दिखा रहा हूँ जो कि आपका स्कोर कार्ड में ही आता है। इस भाई का 115 से 133 स्कोर हो गया, यानी 18.3 नंबर इस भाई का यहाँ पर बढ़ा है, जो कि आप सबके सामने प्रूफ है। ठीक है, आप बोलेंगे भैया इतना नहीं बढ़ता है, तो आपके सामने है यहाँ पर जो लोग बोलते थे कि इतना नहीं बढ़ता है, तो आप खुद देख लीजिए, ये SSC GD का ही है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश से यह भाई बिलोंग करता है, कानपुर नगर से। ठीक है, तो इतना आप सभी को पता चला ये सारी बातें। अब जानते हैं आगे का प्रोसेस। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि भैया स्कोर कार्ड पहले आता है या कट ऑफ पहले आती है या फिजिकल की डेट पहले आती है क्या एडमिट कार्ड पहले आते हैं। तो देखो सबसे पहले आप सभी जान लीजिए क्या क्या होता है।
देखो आंसर की आपकी अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है, ये पुराना रिकॉर्ड है, अब का नहीं है। आंसर की दोस्तों आपकी आ चुकी है 3 ये आपकी अप्रैल को ही, ठीक है, 3 अप्रैल को ही आंसर की आपकी आ चुकी है। तो इसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, ये देखो प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको, पुराना जो प्रोसेस हुआ था। उसके बाद आपकी मार्क्स यानी दोस्तों आपके जो है नॉर्मल से नंबर मिलेंगे, उसके बाद आपका फाइनल आंसर की अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, यानी फाइनल आंसर की पहले ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पीईटी पीएसटी रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद डीएमई टेस्ट एग्जाम स्टार्ट, यानी आपका जो है फिजिकल उस स्टार्ट होगा, फिर मेडिकल स्टार्ट होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर फाइनल मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपका होता है। अब इस प्रोसेस को देखते हैं कितना टाइम लगता है। जैसे मान के चलो हमारा 3 तारीख को दोस्तों आपका जो है 3 अप्रैल को आपका यहाँ पर आंसर की आ गई, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कितना टाइम लगा आने में। तो दूसरा महीना चल रहा था फरवरी का, आंसर की 18 फरवरी को आई थी 2023 में। उसके बाद देखिए दोस्तों 8 अप्रैल को आया भाई रिजल्ट, ठीक है, 8 अप्रैल को। तो इसमें कितना टाइम आप लगा खुद देखिए, इसमें दोस्तों आपका जो टाइम लगा पूरा मार्च निकल गया भाई, और कम से कम दोस्तों यहां पर जो है फरवरी के आप सभी के 10 दिन ये निकल गए, ठीक है। तो 1 महीना 10 दिन तो ये हो गया, 1 महीना 10 दिन तो वो हो गया, साथ में 8 दिन ये इसमें ऐड कर लो, तो लगभग 1 महीने 18 दिन का टाइम तो लगा आपका जो है यहाँ पर रिजल्ट आने में, ठीक है, 1.5 महीने बोल सकते हैं सीधा सीधा। तो अभी अप्रैल में 3 तारीख को हमारा दोस्तों आंसर की आई है, अगर हम 1.5 महीने भी इसमें काउंट कर लें तो अप्रैल पूरा दोस्तों निकलेगा अभी, ठीक है, अप्रैल। और उसके बाद मई में जाके, जी हाँ, कहीं जाके मई में जाके 15-16 मई को जो है आपके यहाँ पर जो है रिजल्ट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक आइडिया लगा। अब आप में से कुछ बच्चे ये बोलेंगे भैया ऐसा थोड़ी होता है, इस बार तो चुनाव का माहौल ही बन रहा है, क्या पता और लेट हो जाए या पहले हो जाए। जी हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि भाई SSC का कोई भरोसा नहीं है, दे सकता है, लेकिन मैं आपको डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इतना टाइम तो मैक्सिमम लगता ही है, ठीक है, इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी। उसके बाद दोस्तों आपके जो मार्क्स आते हैं, जो ये आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, वो उसके बाद मिलेगा 1 महीने बाद, उसके लिए भी 1 महीना मिलता है, समझ रहे हो। तो ये समझिए आप दोस्तों, कम से कम आप सभी को जो है यहाँ पर अभी आपका नॉर्मलाइजेशन चेक करने में लगभग लगभग दोस्तों 2.5 महीने का टाइम तो है ही, 2 महीने मिनिमम आप मान सकते हैं कि 2 महीने बाद आप सभी का जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, अभी 2 महीने बाद फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद दोस्तों फिजिकल आपके होंगे, देखो कितने महीने बाद होंगे फिजिकल, यहाँ 2 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ 6 में दोस्तों आपका फिजिकल हो रहा है, यानी लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको टाइम मिल रहा है वो दोस्तों 4 महीने का फिजिकल मिला था पिछली बार, ठीक है, 4 महीने का, लेकिन इस बार इतना नहीं मिलेगा मेरे भाई, कभी भी फिजिकल वो ले सकते हैं। तो आप अपना जो भी है दोस्तों तैयार करके चले कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ और मुझे दोस्तों इस बार जो है नौकरी लेनी है, फिजिकल अपनी पहले ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं, पहले ही उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन भाइयों को यहाँ पर ये लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया 18 नंबर बढ़ रहा था भाई साहब, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 115 पर इसका सिलेक्शन हो जाएगा, OBC से बिलोंग कर रहा है वो बंदा और उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया, समझ रहे हो। तो ये उम्मीद मत छोड़ना मेरे भाई, क्या पता कहीं भी दोस्तों आप सभी को जो है ये अभी आपका दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि 133 उसका स्कोर हो गया और उसका सिलेक्शन हो गया भाई साहब, ठीक है। तो उम्मीद मत छोड़ना, क्या पता दोस्तों आपका भी नंबर बढ़ जाए। अभी भाई साहब फाइनल आंसर की भी आना बाकी है, फाइनल आंसर की मतलब ये होता है कि आपकी शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन गलत हैं उसका भी आपको नंबर मिलेगा। अगर भाई साहब 2 क्वेश्चन भी गलत निकली आए ना तो 4 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे, ठीक है, ये समझ लें। अगर 116 स्कोर बैठ रहा है 120 हो जाएगा, 125 बैठ रहा है तो कितना हो जाएगा भाई साहब 129 हो जाएगा। तो इसलिए परेशान ना हो, और 18 नंबर अभी ये भी मिल रहे हैं, NCC के नंबर भी मिलेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से दोस्तों आप सभी का जो है यहाँ पर सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।